आया जो मिट्टी का था। और आप सब कैसे हैं? शायद आप लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया है। और देख सकते हैं राजेश राज पहले बार सोए ब्लॉग चैनल में, शायद दूसरा बार हो रहा है। कैसे हो? पूरे मस्त हैं। मस्त है आपका तरफ? ठीक है, हम भी मस्त है, स्वस्थ है। इसलिए तो आए हैं जोड़ाबंद पेरिस। यहाँ पे आज यूथ सेमिनार, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं यूथ सेमिनार को, यूथ मिलन और यूथ शिक्षा शिविर, साउथ वेस्ट डिस्कस्ट युवा साइंस यूथ सेमिनार। ये चलते हैं हम लोग अंदर, आप लोगों को लेके चलता हूँ। चलते हैं, जो भी कार्यक्रम होगा आप लोगों को देखेंगे। सभी को तालियों से स्वागत है। Yeah.
अभी स्टार्ट हो गया है गेम, जो कि ड्रोन बनाने का गेम है। और ड्रोन बनाएंगे एक, और जो भी पेरिस के बनाएंगे उनको बताना है कि ये ड्रोन कौन सा ड्रोन है, क्या टॉपिक पे ये ड्रोन बनाया गया है, और उस ड्रोन का विषय में दो पॉइंट बताना होगा। और अभी बारी है जोड़ाबंद पेरिस का। तो जोड़ा बांध के पहले से जो है
चले कोई तो जवाब मिलना चाहिए। चलिए चलिए क्या है, मूसा नबी है। चलो फिर और परमेश्वर ने उसको चमत्कार दिखाने के लिए बोला था, तो उसको माने अपना डंडा को फेंक के वो सांप बन गया था। डंडा को फेंक के तो सांप बन गया था। चलो ये नहीं है थोड़ा जो टॉपिक था वो नहीं है, हालांकि आपका जवाब भी सही है लेकिन वो टॉपिक में नहीं था। बैठिए और बताइए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कोई इनके मैंने आ करके अगर बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, और दो मिनट है। जब बहुत पाप किए थे तो पर मूसा ने पीतल का सांप टांग दिया था, और जो जहरीले सांप थे जो उन लोगों को काट रहे थे तो अभी बारी आ गया है जड़ा कुदर पेरिस का, तो आइए देखते हैं कौन सा ड्रोन बन रहा है और क्या जवाब मिलता है, देखते हैं। यीशु जब यीशु को जो एक इंगेजमेंट में आमंत्रित किया गया था, वहाँ उसकी माता भी थी, और जब दखरस खत्म हो गया तब वहाँ पे एक दास ने कहा कि दखरस खत्म हो गया, तो ये फिर से भरने के लिए वो नहीं कहा था पद, लेकिन उसने अद्भुत काम करेंगे ये चीज विश्वास करते थे। और जब घड़ा में भर दिए, पूरा मुंह तक भर दिए, फिर जाके एक दास थे वहाँ पे देखे थे कि हाँ ये चमत्कार किया, फिर ओरिजिनल दास फिर से बन गया। गली के पांडा नगर में चलिए एक पॉइंट हो गया। साधारण पानी को दखरस बना वो घड़ा जो मिट्टी का था जो जो वहाँ पे थे सब विश्वास करने लगे कि यही यीशु मसीह है। भाई ने तो पहली बार में कोशिश बता और अभी बारी आ गया है राउल क्लब पेरिस का। राउल क्लब पेरिस के भाई गए हैं ड्रोन बनाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं ड्रोन बना रहा है, आइए देखते हैं। बोले कि मैं संतुष्ट हो गया इतना बना के, वो साइड हो गया, अपना तो खत्म हो गया।
आप बताइए क्या है। खरूर राजा, ये फिरौन राजा को सपना आया था, वो सात मोटी गाय है, सात पतली गाय है, और उसमें जो नदी के बारे में बोला है उसमें हरी हरी घास, वहाँ हरी हरी घास ने बनाया नदी के किनारे। उसमें हरी जो मतलब पहले मोटी गाय निकलती है, वो चरती है घास को, फिर पतली गाय निकल के उनको खा लेती है। खाने के बाद फिरौन राजा का सपना आता है कि ये इसका अर्थ क्या है, तो वो यूसुफ को बुलाता है। यूसुफ स्वप्न देख के बताता है कि सात साल अच्छा ये अनाज होती फसल होगा, और सात साल आपका ये अकाल पड़ेगा। और यूसुफ को फिरौन राजा यूसुफ बताया, और यूसुफ फिरौन राजा बताया उसको प्रधानमंत्री करने के बाद ठीक है। तो अभी बारी आ गया है बीरमित्रापुर पेरिस का, और बीरमित्रापुर पेरिस की वाहन गई है और ध्वज बना रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अभी बारी आ गया है कारीमठ पेरिस के, रही गया है आप लोग देख सकते हैं, ड्रोन बना लिया है, ये देखते हैं। आप बता रहे थे तो उनको समझ में आया क्या गलती है, क्या गलती है।
जल्दी 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 बोलिए 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 वो क्या है और केन वो हाबिल को मार दिया है अभी बारी आ गया है कर्मचारियों का जो कि हम लोग का पुरोहितों का और पुरोहित सर आए हैं रोज बना रहे हैं तो आइए देखते हैं आगे
को गुस्सा नहीं हो। ठीक है, खत्म हो गया टाइम। अब बताइए कोई यहाँ से बोले 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 बोलिए। हेरोद राजा और तीन ज्योतिष बोले। सुलेमान राजा, सुलेमान वहाँ पर वो दो एक बच्चा को लेके दो वाइफ लड़ रही है। राजा का नाम सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा, दाऊद का बेटा, दाऊद का बेटा, दाऊद ऐसा हो सकता है कि दाऊद का बेटा सुलेमान था। एक पॉइंट चल रहा है कि परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान के विषय मांगा। ठीक है, चलिए। और भाई कैसे हैं? हाँ, बढ़िया। तो इसी सा है सबको आशीर्वाद होगा। हम कारीमाटी से आए हैं और आज हम लोग का जोड़ावंत पेरिस में हम लोग का साउथ वेस्ट डायसिस का सेमिनार चल रहा है। इसमें पांच पेरिस मिलके सेमिनार कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी पीने के लिए बाहर निकले थे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ का जो क्या था यूथ सेमिनार वो समाप्त तो नहीं हुआ है, पर खाना वाना खा लिया, अभी हम जा रहे हैं, लास्ट तक नहीं रहेंगे। अभी चल रहा है अंदर में प्रोग्राम, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर लास्ट तक रहेंगे तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा यहीं पे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग को, आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।